80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है, लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। मेरे परिवारजनों, भाजपा के सेवा काल में हम मध्य प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी है जो यहां भाजपा के विकास कार्यों को देखते देखते ही बड़ी हुई है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने युवा साथियों को कहूंगा कि इस बार हर बूथ पर आपको नेतृत्व देना है। एमपी को देश के टॉप राज्यों में लाने के लिए हमें मिलकर काम करना है और मिलकर के कमल खिलाना है।